क्रिकेट लवर बात करते हैं आज जो बीपीएल की थर्ड और फोर्थ मैच है, इस दो मैच के बारे में आज बात करूंगा और कौन कौन टीम जीतने जीत सकती है और कौन कौन प्लेयर खेल सकती है इससे दोनों टीम पर वो बात करूंगा आज। और ये जो थर्ड मैच है, इस बीपीएल की थर्ड मैच तो टकराने वाला है वो है कि ढाका प्लाटून और राजशाही रॉयल्स टकराएगा आपस में। और ये जो ढाका प्लाटून है पिछले साल की तो रनर्स अप है, जीतते जीतते हार गई थी वो फाइनल कुमिल्ला के साथ, तो बहुत एक बुरी बात था ढाका की क्योंकि बहुत अच्छी तरह से जा रही थी ढाका ने, लेकिन 13 ओवर से वो घिर चुका था और मैच हार गई थी फाइनल। तो देखते हैं इस साल क्या करती है। तो ये जो ढाका की टीम है इस साल तो मैं बोलूंगा कि एक परफेक्ट टीम है, बॉलिंग बैटिंग सभी है और ऑलराउंडर सब भी अच्छी है इस टीम की। तो बात करते हैं इस टीम की की प्लेयर के बारे में, तो तामिम इकबाल है इस टीम की लीड करने वाला है और मशरफी बिन मुर्तुजा भी है बांग्लादेश की जो एक खतरनाक कैप तान रहा था। ये जो मशरफ बिन मुर्तुजा है इस टीम के साथ लुरी इवेंस है, मोमिनुल हक है, शुभागत तो होम है, ये जो तिशरा पैरारा है, तिशरा पैरारा तो नहीं खेलने वाला है क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसकी टेस्ट मैच चल रही है, शाहिद आफरीदी तो खेलेगी, आसिफ अली खेलेगी, वहाब रियाज जैसा खतरनाक बॉलर है इस टीम के साथ। तो ये जो ढाका प्लाटून है, ढाका प्लाटून की अगर बात करूँ तो बहुत एक अच्छी टीम है, बैटिंग बॉलिंग सभी है इस टीम के साथ और तामिम इकबाल अच्छी फॉर्म में है, आसिफ अली अच्छी फॉर्म में है, वहाब रियाज भी अच्छी फॉर्म में चल रही है क्योंकि वो प्रैक्टिस में है ये जो वहाब रियाज है। तो ये जो ढाका प्लाटून है बहुत एक मजबूत टीम है। और अगर बात करता हूँ राजशाही रॉयल्स की, तो राजशाही रॉयल्स एक ऐसी टीम है यार, पहली वीडियो में मैं बोल देता हूँ आप लोगों को वो है कि इस राजशाही रॉयल्स तो इस बार ऐसी टीम होगा कि एक घोड़ा टीम होगा आप लोगों के लिए। और ये जो मैच है राजशाही रॉयल्स की जो मैच होगा ये आप लोग जरूर देखना, वो है कि ये जो टीम है वो जीतने वाला जो मैच होगा वो मैच हार जाएगी और हार जो मैच हार आप लोगों को लगेगा कि यह मैच हार जाएगी राजशाही रॉयल्स, लेकिन वो मैच जीत जाएगी ये जो राजशाही रॉयल्स की टीम है। तो देखते हैं इसी टीम के पास कुछ इस तरह की प्लेयर ही है। तो ये जो हजरतुल्ला जाजा ही है इस टीम के साथ जो बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, T20 के लिए माना जाती है, अफगानिस्तान की एक नया प्लेयर है और बहुत ही कम उम्र है इस लड़के की, पिछले साल तो ढाका के साथ खेला था और बहुत ही अच्छी फॉर्म में था ये जो हजरतुल्ला जाजा ही है, बहुत ही अच्छी खेला था। ओलो कपाली है, आफिफ हुसैन है जो बहुत ही एक नया मुख है लेकिन बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है यार, आफिफ हुसैन बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। लिटन दास है जो बांग्लादेश की जो हिटर कहती है ये लिटन दास को, रवि बोपारा है जो बहुत ही अच्छी ऑलराउंडर है ये जो रवि बोपारा है, बहुत ही अच्छी ऑलराउंडर है मैं बोल देता हूँ ये जो रवि बोपारा है। शोएब मालिक है जो ये जो आप लोगों को तो मालूम ही है कि CPL में कैसा खेला था शोएब मालिक की टीम, तो शोएब मालिक है जो एक बहुत ही होशियार और बहुत ही चालाक प्लेयर है। मोहम्मद नवाज है पाकिस्तान की, एंड्रो रासेल है, ताइजुल इस्लाम है, अबू जाहिद है और मोहम्मद इरफान जैसा खतरनाक बॉलर है इस टीम के साथ। तो एंड्रो रासेल की बात आप लोगों को तो जरूर दिमाग में आ गया है कि इस टीम क्या होने वाला है राजशाही रॉयल्स। तो दोनों टीमों की प्लेयर तो आप लोग सुन चुका है, तो और ये जो दोनों टीम है दोनों टीम की जो प्लेयर है आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह की मैच होने वाला है। तो मैं बोलूंगा कि ये जो मैच होने वाला है वो तो ढाका मीरपुर पर होगा और ये जो पिच है वो एक स्कोर जो होता है वो 160-170 के आसपास ही स्कोर होती है और जो भी टीम चेस करती है उस टीम के लिए ज़्यादा चांसेस होती है जीतने के लिए। अगर 10 मैच होता है तो 7 मैच है वो चेजिंग टीम ही जीता है और 3 मैच डिफेंडिंग टीम जीत सकती है, लेकिन ये जो दोनों टीम है दोनों टीम के पास ही अच्छी अच्छी प्लेयर है और अच्छी अच्छी बॉलर भी है, अच्छी अच्छी बैट्समैन भी है कि वो चेस करके जीत सकती है। लेकिन बॉलिंग की तरफ जाऊँ तो बॉलिंग जो है वो मुझे ये जो ढाका प्लाटून है ढाका प्लाटून की बॉलिंग लाइन थोड़ा सा बेहतर लग रही है, लेकिन बैटिंग लाइन जो है ये जो एंड्रो रासेल है और उस तरफ है शाहिद आफरीदी जैसा खतरनाक दो बैट्समैन। तो मेरी तरफ से ये जो मैच होने वाला है बहुत ही टक्कर की मैच होगा यार, बहुत ही टक्कर की मैच होगा और मैं बोल देता हूँ कि इस मैच में जो भी टीम टॉस जीता है उस टीम के साथ जाना आप लोगों के लिए बहुत ही समझदार की बात होगी और जो भी टीम टॉस जीत के वो बॉलिंग करेगा उस टीम के साथ जाना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा मेरी तरफ से। तो ये जो मैच है मैं अगर बोलते था कि मैं टॉस की पहले जो टीम लेना है वो है ढाका प्लाटून, ढाका प्लाटून को साथ जाना है टॉस की पहले और मुझे लगता है कि टॉस भी ढाका प्लाटून ही जीतेगा और मैच भी ढाका प्लाटून ही जीतेगा। तो देखते हैं क्या होता है। बात करते हैं दूसरी मैच के बारे में, यानी कि फोर्थ बीपीएल की मैच जो है वो उस मैच के बारे में। तो ये जो फोर्थ बीपीएल है वो टकराने वाला है खुलना टाइगर्स और जो है चट्टोग्राम चैलेंजर्स। तो खुलना टाइगर्स की अगर प्लेयर के बारे में बात करूँ तो वो है कि नाजमुल हुसैन शांतो है, रैली रोशो है जो पिछले साल बीपीएल में बहुत ही अच्छी एक बैलेंसिंग टीम था और बहुत ही डिफेंडेड एक प्लेयर था ये जो रैली रोशो है और बहुत ही अच्छी खेला था ये जो रैली रोशो की जो बैटिंग लाइन था पिछले साल बीपीएल में आप लोग तो देखा ही होगा कि किस तरह के बैट्समैन है ये जो रैली रोशो, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है और खतरनाक बैट्समैन है ये जो रैली रोशो है। नजीबुल्ला जदरान है अफगानिस्तान की बैट्समैन, तो बहुत ही अच्छी टीम है जो तीनों प्लेयर जो मैंने बता दिया आप लोगों को, नाजमुल हुसैन शांतो, रैली रोशो और ये जो नजीबुल्ला जदरान, तो
तीनों ही अच्छे एक बैट्समैन है और रवि फ्रैंकलिंग है जो प्लेयर है। रवि फ्रैंकलिंग आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले साल जो हुआ था कि बीपीएल में चार बॉलों पर 19 रन चाहिए था, चार बॉलों पर यार 19 रन चाहिए था, वो भी ये जो रवि फ्रैंकलिंग है वो कर दिखाया। और ऐसा भी मैच हुआ था कि दो बॉलों पर 12 रन चाहिए था, वो भी ये जो रवि फ्रैंकलिंग है वो दिखा दिया था कि हम कर सकते हैं, ये जो रवि फ्रैंकलिंग है वो कर सकती है। तो ये खतरनाक ऑलराउंडर है ये जो रवि फ्रैंकलिंग है, बॉलिंग भी अच्छी कर लेती है। मेहदी हसन है, मेहदी हसन जैसा ऑलराउंडर है तो ये भी एक अच्छी बॉलर है यार, बहुत ही अच्छी बॉलर है मेहदी हसन। मुशफिकुर रहीम विकेट कीपर है इस टीम की और बहुत ही अच्छी प्लेयर है, एक तेज दिमाग है इससे मुशफिकुर रहीम को मैच अच्छी तरह से खेल सकती है ये जो मुशफिकुर रहीम है। ये जो रहमान गुरबाज है अफगानिस्तान की प्लेयर है। और बॉलिंग की बात करो तो सैफुल इस्लाम है, मोहम्मद आमिर है, एलिस इस्लाम है वो ढाका प्लाटून के साथ खेला था, पिछले साल ढाका डायनामिक्स के साथ खेला था और हैट्रिक भी किया था ये जो एलिस इस्लाम है। और ये जो मोहम्मद आमिर जैसा खतरनाक बॉलर है इसी टीम के साथ और सैफुल इस्लाम जैसा प्लेयर है। तो इस बार ये जो खुलना टाइगर्स को किसी भी भाई लोग हो जो है वो क्रिकेट बीपीएल जो देखते हैं या फिर बीपीएल जो खेलता है, मैं बोलूंगा कि इस साल इस खुलना टाइगर्स को हल्के में मत लेना, क्योंकि खुलना टाइगर्स ने जो पिछले साल खेला था खुलना ने मोहम्मदुल्ला ने लीड किया था तो बहुत ही खराब प्रदर्शन किया था और सभी मैच हार गई थी, सिर्फ तीन मैच जीता था ये जो खुलना थी पिछले साल की टीम। लेकिन इस साल जो टीम बना है बहुत ही अच्छी टीम बना है और मुझे तो लगता है कि सेमीफाइनल तक जाने वाला है ये जो खुलना टाइगर्स है। इस बार खुलना टाइगर्स जरूर सेमीफाइनल तक जाएगी और एक बैलेंसिंग टीम रहेगी और आप लोगों के लिए बहुत एक अच्छी प्रॉफिट की टीम होगा। अगर खाने की खाना मिलता है तो खा लेना और लगाने का बात आता है तो इस खुलना टाइगर्स पर लगा लेना जितना मन चाहिए, क्योंकि खुलना टाइगर्स इस बार बहुत ही अच्छी टीम बनने वाला है। तो बात करते हैं चट्टोग्राम की, तो चट्टोग्राम की जो टीम है तो आप लोगों को मालूम ही है कि कल खेला था ये जो चट्टोग्राम की टीम है, एनामुल हक है, इमाद वसीम है, ये जो इमरुल कायस है, जुनैद सिद्दीक है, मोहम्मदुल्ला है और ये जो रियाद इमरीद जैसा खतरनाक ऑलराउंडर है इससे चट्टोग्राम के साथ। तो मैं बोलूंगा कि ये जो मीरपुर की जो स्टेडियम है और ये जो खुलना की जो पहली मैच होगा, तो खुलना ने तो पिछले साल हारा था इससे चट्टोग्राम से, एक मैच जीता था ये जो खुलना टाइगर्स से। तो देखते हैं इस साल क्या होगा। तो मेरी तरफ से ये जो मैच है वो है कि ये जो चट्टोग्राम और खुलना की बीच जो पहली टक्कर होने वाला है, मेरी डिसीजन पर मत जाओ। अगर आप लोगों को लगती है कि आपकी डिसीजन थोड़ा सा अच्छी है और आपकी दिल आपकी दिमाग जो कहती है वही करना, किसी की भी टिपर की बात या फिर किसी की वीडियो को बात मान के आप लोग खेलना मत, आपकी जो दिल और दिमाग कहती है वही करना। तो मुझे जैसा लगती है कि ये जो मैच है, अगर मेरी तरफ जाना चाहती हो या फिर मुझे अच्छा लगती है मेरी बात, तो मैं बोलूँगा ये जो मैच है पहली मैच है वो खुलना के साथ जाना ही बेहतर होगा और खुलना ये मैच जीत जाएगी चट्टोग्राम से, वो पहले बैट करे या फिर बाद में बैट करे, लेकिन आपको जैसा लगती है वैसा करना, क्योंकि ये जो मीरपुर की जो पिच है वो एक ऐसी पिच है कि कभी कभी तो यार जो है वो बॉलिंग पिच बन जाती है और कभी कभी तो बैटिंग पिच बहुत ही अच्छी होती है इस मीरपुर की पिच। तो देखते हैं क्या होता है। तो इस मैच में आप लोगों को फास्ट इनिंग्स में एवरेज स्कोर मिलने को हो सकती है वो है कि 150 से 160 तक हो सकती है फास्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर, और सेकेंड इनिंग्स की एवरेज स्कोर हो सकती है 130 से 140। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलते हैं आज के लिए, तो रहना ये जो खुलना है खुलना के साथ रहना और खुलना को विन करा देना। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलते हैं आज के लिए, और अभी भी हमारे साथ है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक है और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना, और मेरे साथ रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना दबिएगा। तो चलते हैं आज के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आगे बीपीएल मैच में।